लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ज्यादा जलाभिषेक होने से भगवान जगन्नाथ को आ जाता है बुखार, काढ़ा पीकर चले जाते हैं मौसी के घर वाराणसी। मौसम में परिवर्तन के दौरान हम आप ही नहीं बल्कि जगत का पालनकर्ता भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ते हैं। सुनने में भले ही ये आपको अजीब भले ही लगे, लेकिन ऐसा होता है। धर्म की नगरी काशी में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ के जलाभिषेक की परंपरा है और लोगों के प्यार में भगवान इतना स्नान कर लेते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद वे पूरे 15 दिनों के लिए बुखार में तपते रहते हैं। इसके लिए वैद्य की सलाह पर उन्हें आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर रथ यात्रा मेले के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों के मुंह में लगातार स्नान से हो जाता है बुखार। पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्तों के समतुल्य खुद को दर्शाने के उद्देश्य से भगवान जगन्नाथ अपनी लीला के तहत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर के दिन अर्ध रात्रि के बाद बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है। पिछले 300 सालों से ये परंपरा अनवरत ऐसे ही चली आ रही है। पुजारी राधेश्याम ने बताया कि हर साल भक्त अपने प्रभु को खुद से स्नान कराते हैं और भगवान जगन्नाथ भी भक्तों के मुंह में लगातार स्नान करते हैं और इसी कारण बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन स्वास्थ्य लाभ के बाद शुरू होता है रथ यात्रा मेला। वाराणसी के लोग इस परंपरा को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। पूरे दिन स्नान करने के बाद भगवान जब बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें काढ़े के रूप में परवल के जूस का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप यही काढ़ा भक्तों में बांट दिया जाता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस काढ़े के सेवन से इंसान के शारीरिक ही नहीं मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस प्रसाद को पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भक्त मधुमिता घोष और सुबोध ने बताया कि वैसे तो काशी भगवान शिव की नगरी है, मगर यहाँ भगवान जगन्नाथ की भक्ति में पूरा काशी कई दिनों तक डूबा रहता है। स्वस्थ होने के बाद चले जाते हैं मौसी के घर। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिनों से बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ 15 दिनों बाद स्वस्थ होते हैं और 15 दिनों तक भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है, तब जाकर वे ठीक हो पाते हैं। भगवान स्वस्थ होकर अपनी मौसी के घर के लिए निकल जाते हैं। साथ में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र भी होते हैं, जिसे रथ यात्रा मेले के रूप में जाना जाता है। ये काशी के लखा मेले में भी शामिल है कि इस बीमारी का इंतजार लाखों भक्त हर साल करते हैं और पूरे वर्ष में भक्तों को एक दिन ही मिलता है भगवान के स्पर्श का। जाहिर है भक्तों के लिए ये मौका किसी मुँह मांगी मुराद से कम नहीं है।